हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, उनका नाम जान लेता हूँ और कहाँ से आए और क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? हेलो ऋषभ तिवारी। कहाँ से आए थे आप ड्राइविंग सीखने? वाराणसी। आज कितने दिन हो गए? आज छठवां दिन है हमारा। छठवां दिन है, क्या क्या सीखे आप? मैंने सब कुछ सीख लिया, रिवर्स पार्किंग और फ्रंट सब कुछ, मतलब आ गया। गाड़ी भीड़ भाड़ में आपने चलाई? यस। क्या लग रहा है आपको, जो आप ट्रस्ट लेके आए थे, जो आपने वीडियोस में देखा था, वो मिला या कुछ गड़बड़ है? 100% तो दोस्तों, आज इनका फाइनल डे है, आज ये लोग निकल रहे हैं और गजब की गाड़ी इन्होंने चलाई है। और जो डेज, कम डेज के अंदर इन्होंने जो गाड़ी सीखा है, वो बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी को कंट्रोल किया है इन्होंने। तो ऋषभ भाई से ही सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में, बताइए। जो लोग बाहर से मेरे पास आना चाहते हैं, थोड़ा घबराते हैं, डरते हैं, तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने बहुत सारे ट्रेनर को देखा था बनारस में भी जी, बट वो लोग क्या करते हैं कि स्टेयरिंग आपके हाथ में पकड़ा देंगे। हाँ। और बोलेंगे कि तुम सीधे चलते रहो जी, और क्लच ब्रेक अभी कभी आपको बोलेंगे ही नहीं यूज करने को जी, और अपने कंट्रोल में जब भी आप कुछ भी गलती करेंगे तो वो खुद ही दबा देंगे जी, और ये बताएंगे ही नहीं कि मतलब तुम क्यों, कब क्लच लगाना है, कब ब्रेक लगाना है जी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ सीख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे जी, तो काफी दिन से फॉलो कर रहा था, करीब 6 महीने से। ठीक है, तो फिर मैं टाइम निकाल के मेरे फ्रेंड के साथ मैं आया कि ओके। तो आपको जो मैंने फर्स्ट डे से ट्रेनिंग दी, तो उसमें कंट्रोल मैंने फुल आपको फर्स्ट डे से दिया था? फर्स्ट डे से क्लच ब्रेक मैं तो यूज नहीं कर रहा था। अगर मैं कर रहा था तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभी आप बोल रहे हैं ना, तो शायद मुझे गालियां दे रहे होते। 100% जो रियलिटी है, सीधा जाना। कितना लगभग आपका खर्च हो गया होगा गाड़ी सीखने में? कम से कम 1,00,000 रुपए खर्च। 1,00,000 रुपए इनका कम से कम खर्च हो गया, क्योंकि 5,000 से 6,000 तो इनका पर डे होटल का था। ठीक है, और 4,000 मैंने लिए 7 डेज के। ठीक है, दो लोग हैं ये, हालांकि 45 में लेता हूँ, बट दो लोग साथ में हैं, इनका थोड़ा नेचर अच्छा है बातचीत करने का, तो मैंने 500-500 इनको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, पैसा कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है, मेन है बंदा, इंसानियत। ठीक है, ये लोग काफ़ी अच्छे हैं। और वैसे करते क्या हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ पे? ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी है। ओके, में ही है, बट ओके, हम लोग मोस्टली, हमारे जो भी क्लाइंट है वो बाहर के। फॉरेन के, तो इनके लिए 1,00,000 रुपए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बाकी लोगों के लिए 1,00,000 रुपए दिक्कत है। तो बाकी लोग अगर नॉर्मल, आप मिडिल फैमिली से हैं, तो आप 10,000 से 15,000 रुपए खर्च करके गाड़ी सीख सकते हैं मेरे से। नॉर्मल होटल लेके 10,000 से 15,000 रुपए में आप गाड़ी सीख सकते हैं मेरे से आके। तो ऋषभ जी क्या कहेंगे मेरे लिए, बाकी जो मेरे जितने भी ऑडियंस मतलब हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं? मैंने ऐसा ट्रेनर अभी इंडिया में कहीं भी नहीं देखा था, इस लेवल का कार सिखाने वाला। देख लो दोस्तों, भाई ने तो एकदम झाड़ पे चढ़ा दिया मुझे। नहीं, मेरा रियल रिव्यू है ये, मैं कोई ऐसा नहीं है कि। और लेकिन बस यही था ना, कि बस मैं चाह रहा था जब ये यहाँ से जाए ना, तो जो युवा वर्ड अभी इनके मुंह से निकले हैं ना, वही निकलने चाहिए। एज ए फैमिली मेंबर, छोटा ब्रदर समझ के मैंने इनको सिखाया। देख सकते हैं मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूं, और मेरा कोई कंट्रोल नहीं। और सिंगल रोड है ये, सिंगल रोड है, चारों तरफ से गाड़ी आ रही है। आप देख रहे हो सामने से गाड़ी आ रही है, MG हेक्टर चेंज कर लो। जाने दो, अभी मैं गाड़ी वहां पे आपको दे दूंगा और मैं उतर जाऊंगा, गोल्डी को भी उतार लूंगा। ठीक, आपको गाड़ी को बैक करना है, सीधा सीधा बैक में लाना है। ठीक है, जैसे अभी आपने मानस सिटी के अंदर बैक किया था ना, तो लगभग 2-3 मतलब मान लो 200 मीटर तक, और बैक में एक्सीलेटर नहीं देना है, सिर्फ क्लच और ब्रेक पे ही गाड़ी पूरी आ जाएगी। हाँ, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि शायद जिस प्रोफेशनल में मैं हूँ, और जो कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं आपको। कौन सी गाड़ी है आपके पास अभी? सेंट्रो है मेरे पास, वहाँ पे घर पे। वहाँ पे तो मेरे पास XUV 7W है, टाटा नेक्सॉन है, अच्छा MG हेक्टर है। MG हेक्टर, तीन गाड़ियाँ, तीनों जबरदस्त गाड़ियाँ हैं। ठीक है, जो आपकी 700 है वो तो बहुत जबरदस्त गाड़ी है। ठीक है, वो ऑटो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल है पूरा, स्टीयरिंग भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है बिंदास। और आपकी नेक्सॉन जो है वो भी जबरदस्त गाड़ी है अभी के इस टाइम के, और आपकी जो MG हेक्टर है वो भी बिंदास गाड़ी है। तो अभी आगे बढ़ा के थोड़ा सा आगे पानी टंकी के पास गाड़ी को आपको रोकना है। ठीक है, फिर मैं उतर जाऊंगा यहाँ पे, फिर आपको गाड़ी को धीरे धीरे भगाना नहीं है, बस आपको ये करना है कि जो ये लेफ्ट वाला आपका टायर है,
ये लेफ्ट वाला टायर ये रोड से नीचे ना उतरे, इस मिरर को चेक करते रहना, फ्लैग रॉड को, और गाड़ी जहां डाउटफुल हो वहां गाड़ी रोक लेना, ठीक है। फिर वहां से गाड़ी को लेके आना, एक से दो बार करना, अभी स्टॉप करो गाड़ी, ठीक है, अभी इसको न्यूट्रल कर लो, शीशे अपने अपने थोड़े खोल लो, हाँ, गियर को जब उधर अपनी तरफ थोड़ा खींच के लगाओगे ना तो और बढ़िया से लगेगा, अच्छे से लगेगा, शीशा डाउन कर लो, ठीक है, चलो बहुत प्यार से जाना, टेंशन फ्री होके, ठीक है, जितना बारीकी से जाओगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों गाड़ी मैंने फाइनली दे दी है ऋषभ भाई को, और बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं गाड़ी को लेके, क्योंकि इनके पास एक MG हेक्टर है और एक आपका 700 है जो अभी आई है महिंद्रा की, क्रूज़ कंट्रोल फुल ऑटोमेटिक, और एक नेक्सॉन है, और आज इनको आए हुए लगभग हो गए हैं, गोल्डी भाई कितने दिन हो गए आए हुए आप लोगों को? 7 दिन हो गए, एक दिन बीच में मैंने क्लास भंग करी थी, और 6 क्लासेस आप लोगों ने ली है, क्या भाई भी सीख रहे हैं, इनसे भी सुन लेते हैं, क्या आप जब स्टार्टिंग में आए थे तब में अब में क्या फ़र्क है? अब में मुझे कुछ आने लगा है अभी तो, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंक्रीज करना। जब आप फर्स्ट डे गाड़ी में बैठे थे ड्राइविंग सीट पे तो क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट अभी आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? मैंने 1-2-3 में ही चलाया है। 1-2-3 में, बट दिक्कत कहाँ पे आ रही है आपको भी चलाने में? सर एक्चुअली जो लेफ्ट साइड है उसको परफेक्टली मैं देख नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहे, टाइमली मतलब वो टाइम पे नजर नहीं जाती है, और जब भीड़ देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा घबराहट आ जाती है, हाथ पैर थोड़ा सा कांपने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है, देखिए ये माइंड का गेम होता है, इसमें जरूरी नहीं। वैसे आप क्या करते हैं? मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साथ ही में हैं, आप कहाँ पे हैं? वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में, ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब इसमें कोई किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, जैसे दोनों आप फ्रेंड है, ऋषभ भाई भी, आप दोनों लोग साथ में, मैंने दोनों लोगों को सिखाया, ज़रूरी नहीं, अब उनको कुछ ज़्यादा समझ में जल्दी आ गया, आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसमें माइंड का गेम है, ये प्रैक्टिस, जैसे अभी आप चलाने लगोगे धीरे धीरे निकालने लगोगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी आपको जब यहाँ से जान, आपके पास कौन सी गाड़ी है? MG हेक्टर है, तो अब जब जाओगे ना वो ऊंची गाड़ी है, उसको चलाना और मज़ा आएगा, क्योंकि जिस गाड़ी का बोनेट दिखता है ना उसको चलाना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो जब आप जाओगे तो अपनी गाड़ी को पहले 2-3 दिन ग्राउंड में चलाना, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, पावर भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो बाकी तो मैंने चीज़ें बहुत सारी बताई दी हैं, देखो ये आ रहा है अपना शेर गाड़ी लेके, गजब, मेरे पास ला के रोको, एकदम यहाँ ला के रोको, आपने क्लच थोड़ा जल्दी रिलीज कर दिया, गुड। अभी फिर वही बैक में जाना, अभी देखो पूरा क्लच नहीं दबाता जिसकी वजह से गाड़ी गड़गड़ा रही थी, गाड़ी क्लच का बहुत बड़ा रोल होता है, एक बार फिर लेके जाओ बैक में, पूरा खींच के बैक गियर डालना, ये तो फोर्थ लग जाएगा, बहुत एक्सेलेटर का यूज मत करना जरा सा भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, अभी इनका नंबर है।